तालीम व तदरीस के मैदान का खिलाड़ी उर्दू की मोहब्बत में बड़ी दूर तक पहुंचा। वो शीरी जबां, जज्बे इसार का पैकर, सादा मिजाज, नरम सिफत, सदर मुमलिकत हालिम था जो अवाम के दिल के करीब था। डॉक्टर जाकिर हुसैन आज भी दिलों में जिंदा हैं। वो खुश कलाम शख्स बहुत खुश नसीब था। जाकिर साहब के वालिद फिदा हुसैन खान साहब हैदराबाद में प्रैक्टिस करते थे और बहुत ही कामयाब वकील थे। जाकिर साहब की पैदाइश हैदराबाद में हुई। बेगमपुरा में एक मकान था जो उन्होंने ख़रीद लिया था और उस मकान में ही उनकी पैदाइश हुई। उनके वालिद का इंतकाल जब हो गया तो वो और उनकी वालदा कायमगंज वापस आ गए और वहाँ वो काफ़ी अरसे तक रहे। फिर उनकी तालीम के ख्याल से उनकी वालदा ने उन्हें इटावे स्कूल में तालीम के लिए भेजा। जाकिर साहब ने इटावे स्कूल में तालीम पाई और वहीं से उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। जाकिर साहब ने इस इदारे में 1907 में पाँचवीं क्लास में दाखिला लिया और 1912 में 10वीं क्लास पास की। जिस हॉस्टल में वो रहते थे वहाँ रहकर पढ़ते थे। जाकिर साहब को शुरू से पढ़ने का बहुत शौक़ था और हाई स्कूल में उनकी 97% से ज़्यादा अटेंडेंस रही। फिर वहाँ से वो अलीगढ़ आ गए। अलीगढ़ में उन्होंने तालीम शुरू की। जाकिर साहब की शफाफ शख्सियत और यानी जो उनका अलीगढ़ के सिलसिले में बड़ा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि मौलाना आज़ाद और जाकिर साहब ने इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की दूसरी ज़िंदगी उन्हीं की देन है। सन 47 के बाद ये बिल्कुल ठप्पा लग गया था और इसमें किसी हद तक सदाकत भी थी। जाकिर साहब ने एक बड़े विजन के साथ इस यूनिवर्सिटी में एकेडमिक एटमोसफियर को बहुत आला दर्जे में पहुंचाने की कोशिश की और बड़े बड़े लोगों को फिज़िक्स में गिल साहब को लेके आए, इकनॉमिक्स में डीपी मुखर्जी साहब को लेके आए, अरबी और इस्लामियात में अलीम साहब को लेके आए। सन 47 के हंगामों के बाद जब अलीगढ़ पर सख्त वक्त गुजरा और वहाँ पर ऐसा महसूस होने लगा कि अलीगढ़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा तो पंडित जी ने जाकिर साहब को बुलाया और उनसे कहा, जाकिर साहब देखिए आपको
अलीगढ़ जाना चाहिए, इसलिए कि अलीगढ़ को अगर बचा सकते हैं तो सिर्फ आप ही बचा सकते हैं, वरना अलीगढ़ ख़त्म हो जाएगा। तो और हम अलीगढ़ को बचा नहीं सकेंगे फिर उस सूरत में। तो जाकिर साहब पर इसका बहुत असर हुआ, तो उन्होंने जाकिर साहब ने फौरन कहा कि नहीं पंडित जी, मैं जाऊंगा अलीगढ़ और अलीगढ़ को बचाना हम सबका अव्वलीन फ़र्ज़ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जिन मुमताज़ हस्तियों को पैदा किया है उनमें एक सबसे मोतबर और काबिले ताज़ीम नाम डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब का है। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब ये कॉलेज था मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, उस वक्त उसके तालिबे इल्म थे। अलीगढ़ से ही उन्होंने अपनी एक किस्म की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया। यहाँ का जो माहौल था उससे वो बहुत मुतासिर थे और अपने पहले दिन का जब वो यहाँ दाखिल हुए उसका हाल उन्होंने सदर जमहूरिया बनने के बाद एक मजमून में किया है। जब वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन एड्रेस देने के लिए आए तब भी उन्होंने अलीगढ़ का जिक्र किया है। हमारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तारीख में ज़ाकिर हुसैन एक बहुत बड़ी नाम है। वो इस यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रहे, यहाँ इकोनॉमिक्स के टीचर रहे, लेक्चर रहे और खुशकिस्मती से वो हमारी इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। देखिए ज़ाकिर साहब को इतने मुनहमक रहे वो तालीमी काम में कि उनको कभी ये मौका नहीं मिला कि वो अपने आप कुछ लिखते जाते। कभी बायोग्राफी लिखने का मौका उनको नहीं मिला, इसलिए कि वो इतने मसरूफ़ रहते थे। वो बहसियत खुद ही जामिया के शेखुल जामिया थे, वही वो जामिया के ट्रेजर थे, वही जामिया के क्लर्क थे, इसलिए उनको अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल मौका नहीं मिला कि वो अपनी ज़िंदगी में ख़ुद कुछ लिख कर जाते। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उनकी शख्सियत और उनकी काबिलियत का इतराफ़ बहुत लोगों ने किया है और वाकया किया है कि वो गैर मामूली ज़हन के और गैर मामूली काबिलियत के इंसान थे। और जब जामिया का क़याम वहाँ हुआ तो ज़ाकिर साहब वहाँ जामिया में आ गए और वहीं जामिया में पढ़ाने लगे। उसके बाद वो जामिया में पढ़ाने के बाद उनको कुछ ऐसा ख्याल हुआ कि उन्हें मज़ीद तालीम के लिए बाहर जाना चाहिए। चुनांचे वो वहाँ से फिर तालीम हासिल करने के लिए जर्मनी गए और जर्मनी में उन्होंने 3-4 साल तक रह कर वहाँ से PhD की डिग्री हासिल की और फिर वापस हिंदुस्तान आए। उस वक्त जामिया दिल्ली आ चुकी थी, जो ख़ास तौर पर डॉक्टर अंसारी और हकीम अजमल खान वगैरह ने कोशिश की थी कि जामिया को यहाँ ले आएं। गांधी जी की भी ये मर्ज़ी थी कि जामिया अलीगढ़ से दिल्ली आ जाए। तो जब ज़ाकिर साहब को ये मालूम हुआ तो वो वहाँ से उन्होंने लिखा कि मैं उस वक्त जामिया की हालत बहुत ख़राब थी और उसको ये कुछ महसूस होता था लोगों को कि जामिया को बंद करना पड़ेगा। तो ज़ाकिर साहब ने वहाँ से इनको ख़त लिखा कि जामिया को किसी सूरत से बंद ना किया जाए, मैं और मेरे दो और साथी यानी मुजीब साहब और डॉक्टर आबिद हुसैन साहब हम तीनों आकर जामिया में बेलौस खिदमत करेंगे। चुनाचे वो यहाँ वापस आए और फिर उसके बाद जामिया से ऐसे उसमें जामिया में मुनहमक हुए और जामिया के काम में कि फिर उन्होंने जामिया को छोड़ा ही नहीं। गांधी जी की ये ख्वाहिश थी कि जो तालीमी निज़ाम हो वो अपनी हो और इस वजह से उन्होंने डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन उनकी जो से खिदमत हासिल की और ये फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई जो वर्धा कमेटी के नाम से
बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। साथ में ये मैं आपको बता दूं कि इस पूरे ज़माने में जो ख़ास तौर पर इंतहाई मुश्किलात का ज़माना था, ज़ाकिर साहब के और हमारे महात्मा गांधी के मरासिम बहुत ही ऐसे करीबी थे, बहुत ही अच्छे मरासिम थे जिसमें हमेशा मुरासलत होती रहती थी और महात्मा जी की तरफ से हमेशा ज़ाकिर साहब को एनकरेजमेंट मिलता था, उनकी हिम्मत अफजाई करते थे। चुनाचे जब एक ऐसा मौका आया कि जामिया के हालात बहुत ही अबतर हुए तो उस पर गांधी जी ने ख़त लिखकर भेजा था कि आप फिक्र न करिए, मैं आकर अगर ज़रूरत पड़ी तो जामिया के लिए भीख मांग कर भी आपके लिए रकम फराहम करूँगा और उससे आप जामिया को चलाते रहेंगे। तो आपको इससे अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये इदारा जो है वो कौमियत या नेशनलिज्म से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था और किस तरह से यहाँ के जो अकाबरीन थे उनका ताल्लुक जो था वो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी से भी था और उस तहरीक से भी था कि जिसमें गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग देने की एक तरीक़े से कोशिशें थीं। 1964 में ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनी और 88 में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी और जो ख्वाब था जामिया के फाउंडर्स का या बानियान जामिया का, उस ख्वाब की ताबीर जो है वो बहुत जल्द होगी। ज़ाकिर साहब उर्दू की बका व तरक्की के लिए तलबा, उभरते शायरों और असाज़ा की हिम्मत अफजाई और मदद करने पर बहुत तवज्जो देते थे। ज़ाकिर साहब से मुतालिक मुझे एक ख़ास वाक़या याद आता है। मैं इंटरमीडिएट का तालिब इल्म था और डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की एक सोसाइटी है उर्दू मोहल्ला, उसका एक जलसा था, उसमें मैं चला गया। तो ज़ाकिर साहब कुर्सी लेके हर चार आदमियों के जो रिश्तें थी उसमें जाते थे, मुझे देख के कहने लगे वो कि ये तो MA के तालिब इल्मों के लिए है आप। तो मैंने कहा साहब मैं कुछ लिखता उठता हूँ, तो वो समझ गए मैं कि मैं कुछ अपने ऐसी गलत बयानी कर रहा हूँ या घबरा गया हूँ। कहने लगे मैं तालिब इल्मी में हम जब अपना लिखा हुआ भेजते थे तो 8 आने मिलते थे और जब किसी दूसरे के भेज देते थे तो 1 रुपया मिलता था, आप कौन सा लिखते हैं? तो मैंने कहा मैं 8 आने वाला लिखता हूँ। उसके बाद खैर वो चले गए अलीगढ़ से और जिन लोगों को बहुत यानी अफसोस हुआ उसमें मैं भी था, अगरचे मैं बहुत ज़्यादा ग्रोन अप नहीं था, बहुत बालिग नहीं था, लेकिन हमें अफसोस हुआ कि ज़ाकिर साहब जा रहे हैं। फिर मैंने MA के में जब था तो मैंने एक 15 रोज़ा अखबार निकाला टाइप में गालिब, और उसकी कॉपी उनको भेजी, वो बिहार के गवर्नर थे, उन बेचारों ने फौरन चंदा भी भेजा और तारीफ़ी ख़त भी लिखा कि तुम बड़ा ही खुशी हो रही है कि वहाँ से टाइप में एक 15 रोज़ा अखबार गालिब के नाम से निकाला। उसके बाद मेरा जब 65 में मजमूआ छाया हुआ तो मजमूआ भी मैंने भेजा था, उस पर ही फौरन उन्होंने। ज़ाकिर साहब में या अलीगढ़ के पुराने लोगों में एक खूबी यह थी कि अलीगढ़ वालों की चीज़ों को वो बहुत तवज्जो से देखते थे और फौरन न्यू ज़माने में रस्म यह थी कि जवाब दिया जाता था। जिस तरह का ज़ाकिर साहब का विज़न था कि वो बहुत आगे की सोचते थे और उनका नज़रिया तालीम के बारे में सिर्फ तालीम किताबों तक महदूद नहीं था बल्कि पूरे एक तर्ज ज़िंदगी और जो हमारी नेशनल इंटीग्रेशन की भी इश्यूज़ को लेकर के और ख़ास तौर से मुसलमानों का जो एक सेंस ऑफ एलियनेशन था उसको किस तरह से दूर किया जाए और उनको कैसे हमेशा बराबरी के दर्जे और हर तरह से एक दूसरे से पहचान बनाएं सारी कौमें हिंदुस्तान में, इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया का वजूद जो है वो मेरे ख़्याल से बहुत ही अहम है और दिल्ली शहर में मेरे ख़्याल से आज की डेट में जामिया यूनिवर्सिटी में बहुत से ऐसे इदारे, बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं, बहुत से ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं जो कोई भी यूनिवर्सिटी दिल्ली में ऑफ़र नहीं कर रही है। उर्दू का जो सवाल है ये भी एक बड़ा अहम पहलू उनकी ज़िंदगी का था और ज़ाहिर है उर्दू से बड़ा करीबी लगाव था उनको और बड़े खुशखत थे और
और यही उनका एक अक्सर कोशिश उनकी रहती थी कि हम लोग सब खुशखत हो जाएं। जो उर्दू से उनका जो रिश्ता था जिसका ताल्लुक मैंने देखा वो एक मुहिम जिस उर्दू के ताल्लुक से उन्होंने चलाई थी अपने नौजवानी में या सियासत के बड़े ओहदों पर पहुंचने से पहले वो पहलू हम नहीं देख पाए, लेकिन शायरी से और मौसीकी से और उर्दू ज़बान से जो उनका इश्क था वो हर पहलू में, हर बात में, हर लफ्ज़ में उनके वो साफ हमको दिखा करता था। जामिया उनकी ज़िंदगी का एक मरकज़ था, एक बुनियाद उनकी ज़िंदगी की बन चुका था, लेकिन जो वक्त मुझे याद है तब वो जामिया से बढ़कर अलीगढ़ और अलीगढ़ से फिर पटना बिहार के गवर्नर के ओहदे पर पहुंच चुके थे। वो वक्त मुझे याद है जब पहली दफ़ा उन्होंने तालीम से हमारा रिश्ता बनाने की कोशिश की। उसी ज़माने में एक किस्सा उन्होंने बताया जो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने वायदा किया था मिशिगन यूनिवर्सिटी से कि वो जाएंगे, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि नहीं जा पाए, और जब मिशिगन यूनिवर्सिटी का इसरार रहा तो वो उसी दौरान में गए जबकि प्रेसिडेंशियल कैंपेन यहाँ चल रहा था। वापस आके किस्सा बताया और उससे हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट का किरदार कैसा होना चाहिए और हिंदुस्तान में इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, इस पर एक बहुत बड़ा दिलचस्प किस्सा है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ खड़ा हुआ तो वहाँ के वाइस चांसलर ने, प्रेसिडेंट ने कहा मुझे मुखातिब होते हुए, मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, आई हियर दैट यू आर रनिंग फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो मुस्कुरा के अपनी तकरीर में जाकिर साहब ने जवाब दिया, मिस्टर प्रेसिडेंट, इन माय कंट्री वी डू नॉट रन फॉर प्रेसिडेंट, वी ओनली स्टैंड फॉर प्रेसिडेंट। हम दौड़ में नहीं जाते, हम सिर्फ खड़े हो जाते हैं। तो पंडित जी ने उन्हें ख़त भेजा कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी भी सूरत से बिहार के गवर्नर होकर चले जाइए, इसलिए कि बिहार के हालात बहुत बुरे हैं और उसको आप ही संभाल सकते हैं। तो जाकिर साहब ने उस पर रजामंदी दे दी, इसलिए कि पंडित जी का इसरार था। तो वहाँ जाकिर साहब वहाँ चले गए और वहाँ पर एक पूरा टर्म उन्होंने बहैसियत गवर्नर गुजारा। फिर उसी अरसे में यहाँ ज़रूरत हुई कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए तलाश हो रही थी, तो पंडित जी ने फिर उनका नाम पेश किया कि जाकिर साहब को वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से मुंतखब करना चाहिए, और चुनाचे वो वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से मुंतखब हो गए। फिर वो यहाँ अलीगढ़ से, पटना से यहाँ आ गए और फिर उसके बाद यहाँ उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से पूरा टर्म गुजारा। उसके बाद जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आया तो और जहाँ बहुत से नाम थे उसमें जाकिर साहब का भी नाम था, साथ में गालिबन पंडित जी चाहते थे कि किसी सूरत से जाकिर साहब अगर तैयार हो जाएं इस चीज़ के लिए, तो बड़ी मुश्किल से जाकिर साहब तैयार हुए और उन्होंने फिर कबूल कर लिया कि उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाए, तो प्रेसिडेंट हो गए। जाकिर साहब फ़न और फ़नकारों की बहुत इज्जत करते थे, अक्सर फ़नकारों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें इनाम इकराम से नवाजते रहते थे। सन 43 में मैं जामिए में मुलाजिम था और हॉस्टल में था, जहाँ जाकिर साहब की कोठी है वहीं पर जाकिर साहब के भाई महमूद साहब थे, उनकी कोठी थी, उसी कोठी में हॉस्टल था, उसका नाम था अकबर मंदिर। मैं उसी बोर्डिंग में मुलाजिम था और यहाँ जामिया से किचन से बच्चों का खाना ले जाया करता था। तो उस वक़्त जामिया में तो कोई गाड़ी नहीं थी, और जब जाकिर साहब अपने ऑफिस आते थे तो पास ही में हमारा हॉस्टल पड़ता था, तो वो उसी हॉस्टल में पहले वहीं आते थे और बच्चों से हाल हवाल पूछते थे, बच्चों से प्यार मोहब्बत से बोलते थे और सफाई के बारे में बच्चों को बहुत कहते, वैसे बहुत सफाई रखना, पढ़ाई लिखाई में अपना बहुत ध्यान रखना। और फिर उसके बाद में जब अपने ऑफिस आते थे और हॉस्टल में जब उन्होंने देखा हॉस्टल के दरवाजे हैं, अगर कोई शीशा गंदा है तो अपने जेब से रुमाल निकाल कर और बस वो शीशे साफ करने लगते थे। अब कोई भी टीचर देखता था तो फौरन दौड़ कर आता था
और उनको हटा देता था और वो टीचर खुद साफ करने लगते थे। मौलवी बशीरुद्दीन साहब ने उनको एक दिन अपने यहाँ खाने पे बुलाया और जब वो और अपने चार पांच साथियों, मौलवी बशीरुद्दीन साहब इसके मैनेजर थे, फाउंडर थे, उनके साथ खाना खा रहे थे, चार पांच और भी उनके क्लास फेलोज थे, तो मौलवी साहब ने ज़रा जाकिर साहब को किसी काम से भेजा या क्या किया, नज़र थोड़ी सी बची, उनके खाने में पानी मिला दिया। जाकिर साहब ने, ये बड़ा मशहूर किस्सा है, उनके खाने में पानी मिला दिया और जाकिर साहब जब खाना खाने के लिए बैठे तो उनको ये नहीं महसूस हुआ कि खाने में पानी मिला दिया गया है, ये बदज़ायका हुआ। उनका मकसद सिर्फ इतना एजुकेशन से जुड़े हुए थे कि उनको जायके में, खाने में, मज़े में कोई मज़ायका नहीं था, ना उससे कोई बहुत ख़ास लगाव था। वो तो सिर्फ एक अपनी एनर्जी के लिए या खाने के लिए खाना खाया करते थे। तो उसे देखकर मौलवी साहब बहुत खुश हुए और उन्हें चुपटाया कि आदमी को जायके का गुलाम नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने जाकिर साहब की याद में एक म्यूज़ियम 1976 में जामिया नगर नई दिल्ली में क़ायम किया। म्यूज़ियम में जाकिर साहब की ज़िंदगी से वाबस्ता बेहतरीन नादिर और नायाब निशानियों का ख़जाना है। म्यूज़ियम का मकसद असल में यही होता है ताकि लोग देखें, समझें जाकिर साहब, और जाकिर साहब से वो लोग इन्फ्लुएंस हों, जाकिर साहब से वो जैसा ही बनने की कोशिश करें, वैसे ही सादा ज़िंदगी इख्तियार करें और उतना ही वो ऊपर उठने की कोशिश करें तालीमी तौर पर, और फिर मुल्क की खिदमत का जज्बा उनमें पैदा हो कि मुल्क की खिदमत जाकिर साहब ने किस तरह की, 47 से पहले भी, 47 के बाद भी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने से पहले भी, बनने के बाद भी, किस तरह उन्होंने मुल्क के लिए खिदमत की, हमारे अंदर भी वही जज्बा पैदा हो और हम भी उसी तरह की से बनने की कोशिश करें। जाकिर साहब आवाम को, खासकर नौजवानों को, गांधी जी की ज़िंदगी से और उनकी शख्सियत से सबक लेने और उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलने की पुरजोर तलकीन करते थे। राज्यपाल जी, स्वामी जी और दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी यह है कि आपने जिस काम के लिए मुझे बुलाया है उसमें मुझे गांधी जी की रूह दिखाई देती है। आपने यही नहीं कि गांधी जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का इंतज़ाम किया है, बल्कि आपने उर्दू में भी उसको छापा है। भाषा का मामला ऐसा है कि सब कुछ जानना चाहिए, और गांधी जी ने सबसे ज़्यादा लोगों को बताया कि भाषा जोड़ने की चीज़ है, तोड़ने की चीज़ नहीं है। इस वास्ते कि विचारों का पहुंचाना ज़रूरी है, भाषा के नाम पर लड़ना ज़रूरी नहीं है। और उर्दू हिंदी का मामला तो ऐसा है कि ये तो सच पूछिए तो एक ही भाषा है, इनका व्याकरण एक है, एक तरह से बोलते हैं, शब्द बदल गए हैं, कुछ शब्द एक में ज़्यादा संस्कृत हैं, एक में ज़्यादा फारसी अरबी के हैं। उन शब्दों में भी अनगिनती शब्द ऐसे हैं जो दोनों में हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि किसके हैं, उर्दू के हैं या हिंदी के हैं। गांधी जी बराबर कहते थे कि भाषा को सरल बनाना चाहिए। क्यों? अब तक जो पुस्तकें लिखी जाती थीं वो थोड़े से आदमियों के लिए लिखी जाती थी, 150,000-2,000 आदमी पढ़ते थे, हमारी जनता नहीं पढ़ती थी। अब सारी जनता पढ़ती है और सारी जनता पढ़ेगी, और थोड़े दिन में कोई आदमी हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा जो लिखा पढ़ा नहीं होगा। और गांधी जी की सबसे बड़ी मजबूती और सबसे बड़ी शक्ति उनका चरित्र था। पहली बात तो चरित्र बनाने में ये होती है कि आदमी अच्छे और बुरे की तमीज़ रखता है नहीं, अच्छे को देखकर अच्छा समझता है नहीं, बुरे को देखकर बुरा समझता है नहीं। गांधी जी में ये सिफत थी कि अगर कोई चीज़ उन्हें बुरी लगती थी तो एक तो उसे बुरा समझते थे, दूसरे उस बुराई को ठीक करने में लग जाते थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों को बुरे हाल में देखा, वो बुराई उनके दिल में उसने दुख पैदा किया, वो दुख सारे जीवन में उनके साथ रहा, मरते दम तक रहा, जब तक उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं कर दिया। जो लोग गांधी जी को जानते हैं, उनके काम को जानते हैं, उन्होंने देखा कि गांधी जी ने हमारे देश की मिट्टी उठाई और उसको सोना बना दिया। गांधी जी ने आदमी बनाया, मिट्टी से सोना बनाया, जो सोना नहीं बन सका उसको चांदी बनाया, चांदी भी नहीं बन सका तो तांबा तो बना ही दिया, लेकिन मिट्टी नहीं रहने दिया।
इसलिए नौजवानों को भी ये करना चाहिए कि एक तो वो बुरे भले की तमीज़ अपने अंदर पैदा करें, ताकि उनको बुरा और अच्छा, बुरा बुरा लगे और अच्छा अच्छा लगे, और जब उनको ये दिखाई देने लगे तो फिर वो अच्छाई के लिए जमें और बुराई से वो लड़ें। ये अगर बात पैदा हो जाए तो गांधी जी ने क्या कहा, क्या किया, कैसे उसमें लगे रहे, इस सब के जानने से हम वो कुछ कर सकेंगे जो इस वक्त मालूम होता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। आवाम की बेलौस खिदमत के लिए भारत सरकार ने जाकिर साहब को भारत रत्न के एजाज से नवाजा। जाकिर साहब की जिंदगी में कई नशेब फराज आए, कभी खुशी कभी गम, कभी परेशान कुन लम्हात तो कभी कामयाबी और तरक्की। आपने आम इंसानों की तालीम और तरक्की और खुशहाली की फिक्र में जिंदगी का हर लम्हा गुजार दिया। और फिर 3 मई 1969 को राष्ट्रपति भवन के दर पर मौत के फरिश्ते ने दस्तक दी और सारा हिंदुस्तान सोगवार उठा। नसी में सुबह रो रही है वादिये गुलाब में, लहू की एक बूंद भी नहीं है आफ्ताब में, सफ़ेद व सुर्ख फूल आंसुओं में भीगने लगे, फजा में तितलियों की हिचकियों के शंख बज उठे, उदास निखतों की रेशमी ज़बानों पर खुदा का नाम है, उदास निखतों की रेशमी ज़बानों पर खुदा का नाम है। सफ़र का लाजवाल नशा आखिरत उतर गया, सफ़ीर शहर ज़िंदगी ने ढूंढ ली है एक जगह क़याम की, तवील हो रही हैं सरहदें सुकूत शाम की, खुदा की रहमतों का एतराफ़ हम पे फ़र्ज़ है, तवाफ़ है कब्र ज़ाकिर हुसैन हम पे फ़र्ज़ है।